प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को सौगात दी। इस दौरान पीएम ने कहा है कि मैं देश को लूटने नहीं दूंगा। पीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ घोटाले किए हैं और आज ये देश नया भारत देख रहा है। साथियों, 2014 में जब आप सभी ने मुझे आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजा तो मैं आपसे वायदा करके गया था देश को लूटने नहीं दूंगा। कांग्रेस के समय में जो हजारों करोड़ के घोटाले होते रहते थे वो सब अब बंद हो चुके हैं। बीते 10 वर्षों में हमने देश को दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना दिया और इसका परिणाम आप पूरे देश में ऐसे नव्य भव्य और दिव्य निर्माण कार्य देख रहे हैं। इनकी पूरी शक्ति इसी बात पर लगती थी कि 5 साल सरकार कैसे चलाएं, घोटालों को कैसे दबाएं। तभी तो 2014 से पहले के 10 सालों में भारत को ये सिर्फ 11वें नंबर की इकोनॉमी बना पाए। जब अर्थव्यवस्था इतनी छोटी थी तो इतने विराट देश के ऐसे विराट सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य भी उतना नहीं था। जो थोड़ा बहुत बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रहता था वो ये घोटाले करके लूट लेते थे। जब देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का समय आया कांग्रेस ने 2G घोटाला कर दिया। जब देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का अवसर आया कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया। जब देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बारी आई कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर और सबमरीन घोटाला कर दिया। देश की हर जरूरत के साथ कांग्रेस सिर्फ विश्वासघात ही कर सकती है, हाँ तो उनका मन आप जीत ही लेते हैं। साथियों, जब मैंने देशवासियों को नए भारत के निर्माण की गारंटी दी थी विपक्ष के लोग जो आए दिन मुझे गाली देने के शौकीन है वो उसकी भी मजाक उड़ाते थे। आज देखिए लोग नया भारत अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। जिन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी सामान्य जन को सुविधा देने की नियत और निष्ठा में खोट थी। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। अगर एक परिवार को ही सब कुछ करना था तो देश बनाने की याद कैसे आती।